इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तीरो तलवार के साए में इबादत की है, जान से ज्यादा इस वतन से मोहब्बत की है, यौमे आजादी की रस्मों को निभाई है हमने यहाँ, गोलियां सीनों और सरों पर उलमाओं ने खाई है यहाँ, जय हिंद का नारा हमने दिया है यहाँ, इस अंधेरे में उजाला हमने दिया है यहाँ, यौमे आजादी का कासा पलट गया होता अगर हम ना होते तो ये भारत भी मिट गया होता। हर सिमट मचलती किरणों ने अब सोने शबे तो मुसलमान अपने सीने पे लेने के लिए तैयार है, लेकिन मजहब इस्लाम को हम झोंकता हुआ गवारा नहीं कर सकते है। मैं बंगाल की सरजमीन से ममता बनर्जी साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि बताएं ममता बनर्जी साहब, आप मुसलमान के इमाम को, अभी स्टेज पे मेरे एक साथी ने मुझे बताया कि बंगाल के एक इमाम को 2000 रुपया पगार दी जाती है और मौजिन को 1000 रुपया पगार दी जाती है, और यही यहाँ के दूसरे मजहब के इमामों को, दूसरे मजहब के कायद को ज्यादा पगार दी जाती है। अरे बताओ ममता बनर्जी साहेबा के भारत का आईन, भारत का दस्तूर, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तमाम हिंदुस्तानियों को पुकार पुकार कर कह रखा के आर्टिकल 14 के कानून की नजर में सब बराबर है, अगर ममता बनर्जी बराबर है तो रविश मोमिन भी बराबर है, ये बंगाल का नौजवान भी बराबर है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रखा हूं, ये भारत का आईन कह रखा है, भारत का दस्तूर कह रखा है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कह रखा है कि कानून की नजर में सब बराबर है, हिंदू बराबर है तो मुसलमान भी बराबर होगा। है ममता बनर्जी साहिबा, अगर आप दूसरे पंडितों को पगार ज्यादा देती हो तो मुसलमानों को उसके हक में पगार देना पड़ेगा, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते गए, यही के लिए हम बंगाल के मुसलमानों को और दलित भाइयों को, हम उनके जमीनों को जिंदा करना चाह रहे गए, उनको एहसास दिलाना चाह रहे गए कि जितना हक इस देश में नरेंद्र मोदी का हक है उतना बंगाल के मुसलमानों का भी हक है। आप लोग मुझसे ये सवाल करते गए कि रविश मोमिन कब तक तुम स्पीच देते रहोगे, कब तक मुसलमानों के दिलों में एक उम्मीद की किरण को जगमगाते रहोगे, कब तक हिंदुस्तान के कोने में जा जाकर आप दलितों को जगाते रहोगे, तो सुनो जब तक मुसलमान और दलित की आंखों में आंसू होगा मजलिस और रविश मोमिन लड़ती रहेगी, जब तक बंगाल के मुसलमानों को हक नहीं दिया जाएगा तो मजलिस और रविश मोमिन लड़ते रहेगा, जब तक बंगाल के इमामों को गैर मजहब के इमामों के बराबर अगर पगार नहीं दी जाएगी तो मजलिस और रविश मोमिन लड़ती रहेगी, और ये जमात घबराने वाली नहीं गए। मैं आज बंगाल की सरजमीन से बीजेपी को, आरएसएस को, ममता बनर्जी से कहना चाह रहा हूँ कि मुसलमान न कभी डरा था न कभी डरा के, और जब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ममता बनर्जी साहेबा जब भी हम तुमसे बात करेंगे तो बेडर होकर बात करेंगे, बेखौफ होकर बात करेंगे, सीना तान के बात करेंगे, आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। ये कौम डरने और घबराने वाली कौम नहीं गए, तुम जय श्री राम के नाम पर मारो, के वंदे मातरम के नाम पे मारो, ये कौम कभी डरने और घबराने वाली नहीं गए। बहुत सारे नौजवान
मेरे फेसबुक पर आकर मुझसे कहे, मेरी सरदार माँ और बहने ने मुझसे आकर ये कहा था कि अब डर लगता है, देखिए आप तबरेज को कैसे मार दिया गया। तबरेज को मारने से पहले उसका नाम पूछा गया, उसने अपना नाम सोनू बताया था। जालिमों ने उनसे पूछा और मारा, बता तेरा असली नाम क्या है। उसने तबरेज अंसारी अपना नाम बताया। जालिम लोग उसको बांधकर, नौजवानों बुजुर्गों, मैं तुम्हारे जमीर को जिंदा करने के लिए आया हूँ, मैं मुंबई की सरजमीन से आया हूँ, आपके नारोबाजी के लिए नहीं आया हूँ, आपकी तालियां सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे जमीरों को छिंजोड़ रखा हूँ, मैं तुमको एहसास दिलाने आया हूँ कि तबरेज को 6 घंटे तक मारा गया। तबरेज हाथ जोड़ कर कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, लेकिन ये जालिम लोग सुने नहीं। फिर मेरे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर तुम कमेंट करते हो कि रवीश वो भी भड़काऊ भाषण देता है, अरे तुम जुल्म करोगे, जुल्म करोगे, मेरी जबान से अल्फाज निकलेंगे तुम्हारे सीनों सरों को पार करके निकलेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तबरेज की मौत के बाद मेरी इज्जतदार मां और बहनें मेरी ऑफिस पर आकर मुझसे कह रही थी कि हम जब अपने बच्चों को स्कूल के लिए भेजते हैं तो डर लगता है। मेरा छोटा भाई कुछ दिन पहले मुझसे ये कहा कि भाई तुम सियासत छोड़ दो, देखो कैसे जय श्री राम के नाम पे मारा गया। मेरा छोटा भाई मुझसे रिक्वेस्ट कर रखा था। मैंने अपने छोटे भाई से कहा, क्या तुम भूल गए करबला का वो मैदान, नन्ने अली असकर और नन्ने अली अकबर की असीम कुर्बानियों को। मैंने अपने भाई से कहा, क्या तुम भूल गए दरियाए तजल्ला का वो किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ। नौजवानों, क्या तुम भूल गए कि रसूल आजम को जंगे अहद के मैदान में अपने तंदाने मुबारक से शहीद होना पड़ा। ऐ जालिमों, ऐ आरएसएस वालों, ऐ बीजेपी वालों, तुम हमें मार कर हमारा वीडियो बनाकर खौफ का माहौल नहीं पैदा कर सकते गए, डर का माहौल नहीं पैदा कर सकते गए। अरे जालिमों, हमारी पूरी तारीख कमों से भरी हुई है। ये कौम पहले 313 थी, लेकिन हजारों काफिरों पर भारी होती नजर आ रही थी। नौजवानों, बंगाल के मैं तुमको पैगाम दे रखा हूँ, वही रसूल के मानने वाले, उठो उठो, आज हिंदुस्तान तुमको पुकार कर कह रहा है कि तुम्हारी जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुछ दिनों पहले की बात है कि संसद के अंदर मैं भी मौजूद था। हमारे एमपी इम्तियाज जलील साहब ने हमें आने की इजाजत दी। जब हम वहां पर पहुंचे तो बीजेपी अपना बजट को पेश कर रखी थी। बजट के अंदर बीजेपी की फाइनेंस मिनिस्टर सिद्धारमैया ये कह रही थी कि मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी का जो बजट था वो तकरीबन 123 करोड़ रुपया था। मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर, मुसलमानों से तशद्दुद की बुनियाद पर मौलाना आजाद फाउंडेशन का बजट नौजवानों 90 करोड़ रुपया कर दिया गया। लेकिन हमारे लीडरों को कुछ पता नहीं है, हमारे नौजवानों को कुछ पता नहीं है कि एजुकेशन के हवाले से जो मुसलमानों को बजट दिया गया था वो 123 करोड़ रुपया दिया गया था,
बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती गए और 90 करोड़ रुपया कर दिया गया। मौलाना आजाद फिलोशिप का बजट तकरीबन 155 करोड़ रुपया था। बीजेपी मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर, तशद्दुद की बुनियाद पर 153 करोड़ रुपया कर देती है। और मैं बंगाल की सरजमीन से मुसलमानों को, दलित भाइयों को, सिख भाइयों को और ईसाई भाइयों को एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि फ्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो बजट था वो 1269 करोड़ रुपया था, लेकिन बीजेपी मुसलमानों से नफरत, दलितों से नफरत, ईसाइयों से नफरत, तमाम माइनॉरिटी से नफरत करती गए तो उसको 1220 करोड़ रुपया कर दिया गया है। मैं आज बंगाल की सरजमीन से बीजेपी की फाइनेंस मिनिस्टर से कहना चाह रहा हूँ कि सुनो निर्मला सीतारमण, के 1993 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस देश के अच्छे खासे बच्चे तालीम से महरूम गए और भारत का आईन, भारत का दस्तूर, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 45 ये कहता के तुमसे कह रखा के, तुमसे पुकार कर कह रखा के फ्री में तालीम देना चाहिए, ये बीजेपी की हुकूमत की जिम्मेदारियां के। लेकिन बताओ मेरे नौजवानों, क्या तुम इस बजट की मुखालफत करते हो या नहीं करते हो? दोनों हाथ उठा कर कहो कि हम इस बजट की मुखालफत करते हैं। आखिरी में मैं तुमको एक मैसेज दे के जाना चाह रहा हूं कि एजुकेशन को आप हासिल करो, इल्म होगा तो शऊर आएगा, इल्म होगा तो फिक्र आएगी, इल्म होगा तो बंगाल की सरजमीन में ममता बनर्जी के सामने तुम सवाल कर सकते हो। और सुनो बंगाल के नौजवानों, तुम्हें सवाल करने से कोई नहीं रोक सकता, सवाल करने का अधिकार बीजेपी ने नहीं दिया के, सवाल करने का अधिकार ममता बनर्जी ने नहीं दिया के, सवाल करने का अधिकार आरएसएस की खाकी चट्टी पहनने वालों ने नहीं दिया के, अगर सवाल करने का अधिकार किसी ने दिया के तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया के, आर्टिकल 19 ने दिया के। सवाल करो, सवाल करना तुम्हारा हक है। एक शेर पे अपनी स्पीच को खत्म करता हूँ। तबरेज की मौत को लेकर पूछता तुमसे हूँ ऐ अमन के दावेदारो, पूछता तुमसे हूँ ऐ अमन के दावेदारो, अब ये एहसास मेरे सीने में रहता क्यों गए, पानी है सस्ता तो उसका तहफूज कैसे। ममता बनर्जी, पानी है सस्ता तो उसका तहफूज कैसे, खून है महंगा तो बंगाल के मुसलमानों का पैसा क्यों गए। आखिरी में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रखा हूं कि इस शहर के जिम्मेदार जामिउल हसन साहब का आप हाथों को मजबूत करो, आप इमरान सोलंकी के हाथों को मजबूत करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र साहब।